सो है एवरीवन, सबको अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। सो गाइस, देखो आज मैं वापस आ गई अपने न्यू व्लॉग के साथ हूँ, और ये व्लॉग है मधुलिका जी के साथ है। आज हमारा मेकअप शूट है, और ये बहुत ही प्यारा मेकअप शूट होने वाला है, क्योंकि ब्लू आउटफिट और ब्लू आई शेड विद ब्लू स्मोकी आइज़ और न्यू हेयर स्टाइल के साथ एक ग्लैम लुक तैयार हो रहा है। और ये देखो, मेरी वीडियोज़ निकाल रहा है समीर, और समीर शूट कर रहा है, पर ये पहले अपनी सेल्फ़ी निकालेगा और फिर बाद में शूट करेगा। ये बड़े मज़ेदार बात करता है। तो आज हमारे शूट में हमारे जो फोटोग्राफ़र हैं वो है अरमान, और अरमान आज हमारा पूरा शूट करेंगे। और ये देखो, ये हेयर स्टाइल रेडी हो रही है। हेयर एक्सटेंशंस के साथ में ज़्यादा वॉल्यूम आने के लिए हमने हेयर एक्सटेंशंस भी लगाए हैं, और बहुत ही अमेजिंग लोकेशन है नीचे जहाँ पे हम शूट करने वाले हैं। सो आप लोग स्टे ट्यून रहना और देखना कि हमारा क्या क्या इंटरटेनमेंट चल रहा है। और ये देखो, आई शेड लगाते लगाते मैं रिलैक्स हो गई, शायद मैं सो गई हूँ लगता, थोड़ा सा सो गई हूँ लगता आई शेड करते करते। और ये देखो, एकदम परफेक्ट आई शेड विद फोटोग्राफर अरमानोग्राफी, और हमारे जो भी रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं देख सकते हो, मैक, हुदा, बहुत सारे प्यारे प्यारे प्रोडक्ट्स हैं। और ये हमारा शूट अभी तक हुआ नहीं है, क्योंकि अभी हमको मेकअप बाकी है। तो ये देखिए देखिए, एकदम नज़दीक से देखिए, नज़दीक से देखिए, नज़दीक। मैं काफ़ी दिन से बराबर से सो नहीं पा रही थी, तो देखो भी लगता है मैं थोड़ी सी सो गई थी मेकअप करते करते, बट कुछ नहीं, चलता है। कभी कभी आँखों का एकदम रिलैक्सेशन हो गया है, क्योंकि आँखों के जब आई शेड लगता है तो ऐसा लगता है कि जैसे मसाज हो रहा था, कि बहुत प्यारी सी नींद आ जाती है। तो आप लोग स्टे ट्यून रहना। देखो, आई शेड कुछ इस तरह से तैयार हो रहा है। ये मधुलिका जी की क्रिएटिविटी है, जो वो एक नया कुछ क्रिएट कर रही है मेरी आंखों के ऊपर, और न्यू कुछ हेयर स्टाइल हो रहा है। आप लोग नज़दीक से देख सकते हो, देखो 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 देखो, कितनी प्यारी आंखें तैयार हुई हैं, कितनी प्यारी आंखें, आंखों से चलकता है जाम। ये गाना शायद मेरे लिए ही बना है। और ये देखो, हेयर स्टाइल रेडी हो रहा है, और ये अभी तो फाइनल टचअप, बाकी आप लोगों को लगेगा कि क्या मेकअप हुआ है, बट आप लोग जब फाइनल मेकअप देखोगे तो आप लोगों को लगेगा कि वाओ, क्या अमेजिंग मेकअप रेडी हुआ है। और ये काजल लगाया जा रहा है मेरी आंखों में, नज़र ना लगे किसी की, इसलिए काजल भी तैयार हो गया है। और पीछे से देखे हेयर स्टाइल, तो देखो आप गाइज, क्या सुपर हेयर स्टाइल किया है, अमेजिंग अमेजिंग हेयर स्टाइल। और ये रेडी हो रही है हेयर स्टाइल, और आप लोगों को मैं नीचे की लोकेशन भी बताने वाली, जो कि बहुत ही सुंदर अमेजिंग लोकेशन जो है मधुलिका जी के घर के नीचे, जो कांदिली में है, लोखंड वाला कांदिवली के अंदर। और ये काजल लग रहे हैं, काजल एकदम केयरफुली लग रहे हैं, क्योंकि बहुत ही केयरफुली आईज़ के अंदर काजल लगते हैं। और ये प्यारा सा आई शेड पैलेट है, और बहुत ही अच्छे से रेडी हो रही हूँ, और आपको फाइनल लुक भी मिलेगा रेडी। आपको खूब मज़ा आएगा इस व्लॉग के अंदर, क्योंकि इसके अंदर एक ग्लैम लुक तैयार हो रहा है, एकदम फेरी टेल लुक, एकदम ऑसम। और ये मेरा बेस्ट पार्ट है मेकअप का, वो है काउंटरिंग, क्योंकि आई लव काउंटरिंग वेरी मच, क्योंकि मुझे फेस शेप में दिखना बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। काफ़ी मेकअप आर्टिस्ट बोलते हैं मुझे कि आपको ज़रूरत नहीं है काउंटरिंग की, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे फेस पे काउंटरिंग हो, ताकि और ग्लैम लुक लगे, और एकदम मॉडल लुक लगे, और मैं एकदम मॉडल जैसे तैयार होना चाहती हूँ, और इसलिए लोग मुझे बुलाते हैं। और ये देखो देखो, कैसे जॉलाइन को और शार्प है, और शार्प किया जा रहा है। और ये पता नहीं मैं फ़ोन पे किससे बात कर रही हूँ, किससे क्या डिसाइड कर रही हूँ, और ये सब चालू है। और अभी हेयर स्टाइल हो रही है, अभी लिपस्टिक होने जा रहा है, लिपस्टिक रेडी हो गई है, ये परफेक्टली न्यूड लिपस्टिक है। और ये न्यूड लिपस्टिक इस पर, क्योंकि ये ब्लू स्मोकी विद आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी है। सो ये देखो होने जा रहा, अब शूट के लिए जाने से पहले थोड़ा सा माउथ फ्रेशनर, और ये थोड़ा सा माउथ फ्रेशनर डाल दिया है, माउथ फ्रेशनर ले लिया है, ताकि से मैं हमेशा कैरी करती हूँ माउथ फ्रेशनर हमेशा मेरे साथ में। और ये हम शूट के लिए निकल रहे हैं, और सो वी आर गेटिंग रेडी फॉर द शूट, और हम निकल रहे हैं। मधुलिका जी ने भी कैमरा कैरी किया है, उनके पास भी अमेजिंग कैमरा है। और ये अरमान, ये हमारी हेयर स्टाइलिस्ट, और हम नीचे उतरे शूट के लिए। सो आप लोग देख सकते हो काफ़ी अच्छा एम्बियंस है, लॉबी को देख सकते हो, लॉबी भी बहुत ही अच्छी है। सो वी आर रेडी फॉर द आउटडोर लोकेशन,
और मैं आपको लोकेशन शेयर करती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ लोकेशन में क्या क्या अमेजिंग है। और ये देखो मेरा फेरी टेल गाउन एंड आई लव दिस गाउन। अच्छा है कि हम थोड़ा सा जल्दी आ गए क्योंकि नहीं तो बहुत बारिश हो रही थी और आज का दिन और इस दिन तो बहुत ही बारिश थी। और ये देखिए देखिए देखिए, दिस इज़ माई लू लुक विथ फेरी टेल लुक। और ये अमेजिंग गाउन देखो गाइज, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई शूट हो रहा है, बाबी डॉल शूट हो रहा है। सो दिस इज़ अमेजिंग व्यूज। और इतनी प्यारी प्यारी हवाएं चल रही है और आप स्टे ट्यून रहना और देखते रहो शूट को, कंटिन्यू देखते रहो कितना मज़ेदार शूट होने वाला है। काफ़ी प्यारा प्यारा मौसम है गाइस, काफ़ी प्यारा प्यारा मौसम है और काफ़ी प्यारा प्यारा नज़रिया है, क्या काफ़ी प्यारा प्यारा एम्बियंस है, काफ़ी प्यारा लोकेशन है। और ये देखो स्विमिंग पूल भी है, बट हम स्विमिंग पूल में नहीं जाने वाले, बट आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा कांदिवली लोखंड वाला है। और ये बहुत ही अमेजिंग सोसाइटी है, बहुत ही प्यारा है। और ये मैं पोज दे रही हूँ वीडियोज़ के लिए, फ़ोटोज़ के लिए। और ये देखो बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें भी चल रही हैं। ये कैमरा मैन अरमानोग्राफी, वन ऑफ द बेस्ट, मेरा फेवरेट अरमानोग्राफी जो कैमरा, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी कि आपको किसी को भी अगर अरमान को बुलाना है तो आप लोग प्लीज़ बुला सकते हैं। ये देखिए गाइस, देखिए 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 क्या बाबी लुक रेडी हुआ है। सो हम मूव करेंगे टूवर्ड्स दूसरे लोकेशन की तरफ और हम आ गए दूसरे लोकेशन पर, वहीं पर आस पास में ही हैं। और मधुलिका जी भी क्लिक कर रही है फ़ोटोज़ और हम भी क्लिक कर रहे हैं और हम वीडियोस निकाल रहे हैं। बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस आ रही हैं और बहुत ही अच्छा क्लाइमेट है, बहुत ही खूबसूरत क्लाइमेट है। और ये वी आर चैटिंग, वी आर डूइंग मस्ती, वी आर डूइंग एंजॉयिंग द शूट, क्योंकि शूट को एंजॉय करना बहुत 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 अच्छा लगता है। और मुझे रोज़ काम करना भी बहुत 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 अच्छा लगता है। सो वी आर वॉकिंग एंड चिटचैटिंग एंड गिविंग पोज और हम चल रहे हैं। और पता है आपको, ये जो वॉकिंग में हम जो चल रही है इसकी वीडियो बन रही है, हम इसको वीडियो पोस्ट करने वाले हैं। और अमेजिंग फोटोग्राफी चल रही है और ये बातचीत चल रही है। सो आप लोग स्टे ट्यून्ड रहना और देखते रहना आगे का शूट।
गाइस देखिए क्लाइमेट कितना प्यारा और सुंदर हो गया है, और ये देखो कितनी तेज़ हवा चल रही है, और ये तेज़ हवा में काफ़ी अच्छा शूट हो रहा है क्योंकि गाउन ही बहुत अमेजिंग है। ये गाउन मधुलिका जी ने राजा रानी की तरफ से लाया। राजा रानी एक सूरत में एक शॉप है, एक पेज है जहाँ से ये गाउन को हायर किया गया है। और ये देखो काफ़ी अमेजिंग लोकेशन और काफ़ी अमेजिंग क्लाइमेट चल रहा है। पीछे ये अरमान शूट कर रहे हैं, और अरमान बहुत ही प्यारा शूट करते हैं, मेरे फेवरेट है, काफ़ी अच्छे से शूट करते हैं, काफ़ी चीज़ों को ध्यान में रख के शूट करते हैं। वाओ क्या ग्रीनरी है, ग्रीनरी। और ये कांदिवली लोखंडवाला का लोकेशन है, मधुलिका जी के घर के नीचे का। सो काफ़ी अच्छे से हो रहा है और हम काफ़ी अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं शूट को, क्योंकि शूट पे अपना माइंड कॉन्फिडेंस हर चीज़ होगी तो शूट पे बहुत अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिवनेस आ रहा है। और हम कंटिन्यू करेंगे, आप भी कंटिन्यू करो और देखो पूरे व्लॉग को। सो फाइनली हमने शूट कंप्लीट कर दिया है, अभी हम घर आ गए, अभी हम चेंज करेंगे और घर के लिए निकलेंगे। सो आप लोगों को ये छोटा सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा व्लॉग, वीडियो व्लॉग, ब्यूटी व्लॉग कैसा लगा, और मधुलिका जी की जो क्रिएटिविटी वो आप लोगों को कैसी लगी, अरमान का फोटोग्राफी कैसे लगा, आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और सब्सक्राइब करो चैनल को।